हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू साइंस क्लास नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास फिफ्थ नर्वस सिस्टम हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए थे सबसे पहला टॉपिक था हमारा कि नर्वस सिस्टम होता क्या है तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में सारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है सो so, क्या क्या चीज़ें थी इसमें ब्रेन स्पाइनल एंड नर्व्स ये तीन चीज़ें मेन नर्वस सिस्टम की है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में तो ब्रेन में थ्री पार्ट्स है एक है सेरिब्रम दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेड्यूलम अब जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का हेड है है ना जैसे कि हेड ऑफ़ द फैमिली की बात सब मानते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन की बात सारे बॉडी पार्ट्स मानते हैं सेकेंड वन है ब्रेन का ही पार्ट सेरिब्रम सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है लार्जेस्ट पार्ट है ठीक है एंड ये क्या चीज़ें कंट्रोल करता है विजन हियरिंग स्पीच इमोशन एंड इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है सेकेंड वन है हमारा सेरिबेलम सेरिबेलम जस्ट लाइज जस्ट बिलो ठीक है ये सेबलम के नीचे जस्ट बिलो वाला जो पार्ट है ये दिस इज सेरिबेलम और उसके बाद एक और पार्ट है दैट इज मेड्यूला मेड्यूला का क्या काम है मेड्यूला कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कोड से नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्पाइनल कोड तो द स्पाइनल कोड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स दैट इज अटैच टू द ब्रेन थ्रू मेड्यूला स्पाइनल कोड बंडल ऑफ नर्व्स बहुत सारी नर्व्स है स्पाइनल कोड में और वो अटैच्ड है थ्रू मेड्यूला मेड्यूला के थ्रू अटैचड है ब्रेन से इट रन इन साइड द वर्टिब्रल कॉलम ठीक है ये वर्टिब्रल कॉलम है ये अंदर होती है ये सारी नर्व्स नर्व द स्पाइनल कोड इज कनेक्टेड टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स नर्व स्पाइनल कोड दूसरे सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड थ्रू इट्स नर्व आपको दिख रहा होगा कि ये जो नर्व आ रही है ठीक है ये सारे बॉडी पार्ट में जा रही है थ्रू स्पाइनल कोड तो स्पाइनल कोड इसकी नर्व्स के थ्रू सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है यू कैन क्लियरली सीन दिस जे आई एफ नबाउट नर्व्स ठीक है इसके पहले ये, ये वाली एक्टिविटी हम घर पे ट्राई कर सकते हैं पिकअप अ बुक एंड रीड इट थिंक अबाउट द एक्शन यू बुक नीचे पड़ी है आपको उसको पिक करना है और उसको रीड करना है ठीक है अब आप देखेंगे कि आपने क्या क्या एक्शंस किए आप नोटिस करेंगे कि आपने क्या क्या एक्शंस किए उस बुक को उठाने में तो आपने क्या किया वैन यू पिक अप द बुक यू बैलेंस योर बॉडी जब आपने बुक को पिक किया तब आपने अपनी बॉडी को बैलेंस किया और आपके आर्म्स को एडजस्ट किया बुक के वेट के हिसाब से ठीक है अगर वेट ज़्यादा होता तो आप उसको ज़्यादा झुक के एडजस्ट करते हैं वन यू रीड अ बुक यू फाइंड योर आइज ऑन द पेज जब आप बुक को रीड कर रहे हो तो आप अपनी आँखें उसी पेज पर पे रख रहे हो हाउ डू यू डू ऑल दिज एक्शंस आप ये एक्शंस कैसे कर सकते हो थैंक्स टू द नर्व्स दैट हेल्प यू टू दिज एक्शन ये हम कैसे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर नर्वस हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्ज हैं जो जिसके थ्रू हमारे जो ब्रेन ब्रेन है वो हमें ऑर्डर दे सकता है नर्वस आर द बंडल ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स नर्व क्या है इट इज़ सिंपली बंडल्स ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स लंबे और छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स फाइबर्स मतलब छोटे जैसे धागे का टुकड़ा होता है छोटा सा उससे भी छोटी छोटी हमारी नर्व्स है हमारी बॉडी में दे कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये क्या करती है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्रेन और स्पाइनल कोड से कनेक्ट करी रखती है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स है फर्स्ट है सेंसरी सेकेंड है मोटर एंड थर्ड है मिक्सड नर्व्स एक बार फिर से नर्व्स देख लो आप नर्व्स कैसे कनेक्ट करके रख रही है देखो ब्रेन ब्रेन को सारी बॉडी के पार्ट्स से कनेक्ट करके रख रही है और सारे बॉडी पार्ट्स के साथ स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है ना किन सीधर नर्वस सिस्टम ये जो सारी ब्लू लाइंस है ये यहाँ पे नर्व्स शो कर रही है ठीक है सेंसरी मोटर नर्व्स अभी हम डिटेल पढ़ेंगे सेंसरी और मोटर नर्व्स के बारे में तो सेंसरी नर्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू तो द ब्रेन सेंसरी नर्व्स का क्या काम है इंफॉर्मेश सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले के ये देता है ब्रेन को एंड द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड को द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स वॉट द सेंस ऑर्गन्स जस्ट हैव सीन हॉर्ट स्मेलो टेस्ट जैसे कि आपने कुछ कड़वा टेस्ट किया वो आपको अच्छा नहीं लगा ठीक है तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी टंग से जाएगी आपके ब्रेन तक फिर आपका ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा कि ये अच्छा है या नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत अच्छी रोज़ेस की फ्रेगनेंस आ रही है ठीक है खुशबू आ रही है आपको आप उसको सूंघना पसंद करेंगे तो आपको वो आपका ब्रेन बताएगा कि हाँ ये स्मेल अच्छी है नाउ फैक्ट देख लेते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंस्ट्रक्टिंग दैम टू डू समथिंग तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है भेजता है इंस्ट्रक्टिंग दैम टू डू समथिंग उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि उनको क्या करना है नाउ मोटर नर्वस तो मोटर नर्वस कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू ब्रेन और द स्पाइनल कोड टू द मसल और ग्लांड तो सेंसरी नर्व का क्या काम था वो हमारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा था ब्रेन को दे रहा था ठीक है अब यहाँ पे काम क्या है मोटर नर्वस का ये ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लाके और दूसरे बॉडी पार्ट्स को दे रहा है कि उनको क्या करना है इफ़ वन हैंड टच इज हॉट ऑब्जेक्ट अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया तो हमारी सेंसरी नर्व क्या करेगी हमारे स्पाइनल कोड को रिपोर्ट करेगी कि इसने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है और डायरेक्ट तो वहाँ से सिग्नल सिग्नल किसका चला जाएगा कि पेन का अब इन रिटर्न मोट अब रिटर्न में क्या होगा कि स्पाइनल कोड के थ्रू मोटर नर्व से एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको अपना हाथ हटाना है वहाँ से ठीक है टू मेक द हैंड मसल्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ पेन जहाँ पे आपको पेन हो रहा है जहाँ पे आपको गर्म लग रहा है तो वहाँ से आपको अपना हाथ हटा लेना है नाउ हैव यू अंडरस्टूड एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अगर आप चल रहे हो और कोई आपको पैर में नुकीली वस्तु आपको चुभी ठीक है तो आप क्या करोगे उस टाइम आप अपना पैर वहाँ से हटा लोगे तो ये कैसे होगा आपके पैरों के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी किसको स्पाइनल कोट को स्पाइनल कोड क्या करेगी आपको रिटर्न में मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजेगी कि आपको पेड़ हटाना है और ये बहुत जल्दी जल्दी होता ही है प्रोसेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम में होगी अगर बहुत ज़्यादा टाइम में होगी तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग भी सकती है नाउ मिक्सड नर्व तो मिक्सड नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द मोटर नर्व एंड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन मिक्सड नर्व्स का क्या काम है ये सिग्नल्स को कैरी करती है सेंसरी सेंसरी ऑर्गन्स टू मोटर नर्वस मोटर मोटर नर्व्स तक ये मैसेज कैरी करती है एंड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन और ये ब्रेन तक मैसेजेस चले जाते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड में ही प्रेजेंट रहता है नाउ रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्स को रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं सम ऑफ आवर एक्शन आर ऑटोमेटिक कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं हम वो एक्शन करते हैं। नहीं है बट होते दिस एक्शन्स आर वेरी क्विक एंड सडन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है चीज़ें लाइक ब्लिंकिंग आवर आइज हमारी आँख का ब्लिंक होना स्नीजिंग छींकना वाटरिंग ऑफ आवर माउंथ ऑन सींग सम्मेलिंग सीइंग स्मेलिंग द फूड आप, आपकी फेवरेट डिश दिख जाए पानी पूरी दिख जाए तो आपके माउथ में वाटर आने लगेगा है ना तो मुंह में पानी आ जाता है उसे देख के सो so, ये सारी चीज़ें हो जाती है ठीक है दिस ऑटोमेटिक इन सडन एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन अब इन्हीं ऑटोमेटिक और सडन एक्शन को क्या कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड और यहाँ पे मैसेजेस ब्रेन तक नहीं जाते बट स्पाइनल कोड ही हैंडल कर लेता है ठीक है ब्रेन तो हेड है पर उसका मैनेजर कौन है स्पेनल कोड है तो ये मैसेज मैसेज डायरेक्ट हेड तक नहीं जाते पर ये मैनेज हो जाते हैं कहाँ पे मैनेजर के पास मैनेजर कौन है हमारा स्पाइनल कोड है सो इन अ रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज डज नॉट गो टू ब्रेन द स्पाइनल कोड डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड ऑर्डर्स द ऑर्गन कंसर्ट फॉर रिएक्शन दस इट सेल्फ टाइम इसकी वजह से क्या होता है टाइम की सेविंग होती है और हम बहुत सारी चीज़ों से बच भी जाते हैं ठीक है आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि पर्सन अगर नेल के कॉन्टेक्ट में आता है खिल ठीक है अगर उसको छुप जाता है तो वो क्या करता है अपना पेड़ डायरेक्टली उससे हटा लेता है तो यहाँ पे क्या होता है मैसेज डायरेक्ट जाता है स्पाइनल कोड को और स्पाइनल कोड क्या करता है रिटर्न में मैसेज भेजता है कि आपका पेड़ हटा लो नाउ आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आई एम अटैचिंग ए डॉक्यूमेंट जहाँ पे सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स है सो यू हैव टू कम्प्लीट योर कॉपी एंड अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग